आपके अपने YouTube चैनल टारगेट टॉप एग्जाम पर। दोस्तों यह सेट नंबर 13 है, यह सेट नंबर 13 है दोस्तों, और आप देख रहे हैं सेट नंबर 13। और आप नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और आप कमेंट में ज़रूर आंसर इसका देते रहिए दोस्तों। हर एक एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो आज का पहला दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में प्रथम शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विलियम बेंटिक को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड कार्नवालिस को, या चार्ल्स ग्रांट को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो कहा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला क्वेश्चन है, नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है 25 जनवरी 2005 को, 26 जनवरी 2006 को, 18 मार्च 2004 को, या 30 नवंबर 2007 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 25 अगस्त 2005 को। नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा जो है 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, यानी लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात जो है स्टार्ट किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है जिला परिषद पर, पंचायत समिति पर, ग्राम पंचायत पर, या राज्य पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। मनरेगा की कार्यकारी जो है ग्राम पंचायत पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किया था? ऑप्शन है 1867 में, 1835 में, 1901 में, या 1979 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी 1867 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज 1867 ईस्वी में किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसके पूर्ण तिथि पर उसकी याद में प्रदान किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, न्यूटन, या लुइस पाश्चर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा, दोस्तों मनरेगा योजना के तहत कितने घंटे कार्य करने की प्रावधान है? ऑप्शन है 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या 9 घंटे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 घंटे। मनरेगा योजना के तहत जो है 7 घंटे कार्य करने का क्या है प्रावधान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया दोस्तों? ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, या 1985 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 ईस्वी में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जो है 1969 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया था? मतलब नरेगा कब आया? ऑप्शन है 4 मार्च 2005 को, 8 मार्च 2007 को, 2 फरवरी 2006 को, या 15 अगस्त 2009 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी 2006 में। नरेगा का उद्घाटन जो है किसने किया? तो मनमोहन सिंह ने किया। कब किया? तो 2 फरवरी 2006 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 1965 ईस्वी को, 1970 ईस्वी को, 1978 ईस्वी को, या 1986 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 ईस्वी को। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया था 1968 ईस्वी में दोस्तों, 1968 में पहली बार आया था, दूसरा बार 1986 में आया था दोस्तों,
और अगला अभी 2022 में आया है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंदर जो है रोजगार देने का प्रावधान है? ऑप्शन है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 किलोमीटर। मनरेगा योजना के तहत जो है 5 किलोमीटर के अंदर तक का ही आपको रोजगार दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? ऑप्शन है इंग्लैंड के, स्वीडन के, स्विट्जरलैंड के या फ्रांस के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वीडन के। अल्फ्रेड नोबेल जो है कहाँ के थे? तो स्वीडन के थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद का स्थापना कब किया गया था, यानी NCERT का स्थापना जो है कब किया गया था? ऑप्शन है 1961 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1996 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1961 ईस्वी में। NCERT का स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और आप लोग NCERT का स्थापना हुआ था 1961 में, और आप NCERT का फुल फॉर्म अपने कमेंट में जरूर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी लॉर्ड रिपन। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किया गया था या किसके शासनकाल में होगा? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन है 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में या 7 क्षेत्रों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार जब शुरू हुआ था उस समय नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और लेकिन अब जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया? ऑप्शन है 2008 में, 2010 में, 2012 में या 2014 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 2008 में। मनरेगा योजना के तहत जो है 2008 में सभी ग्राम रोजगार योजनाओं को विलय करके मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी गलती, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई थी? ऑप्शन है मिहिर शाह कमेटी, ज्ञान कमेटी, चलैया कमेटी या मुखर्जी कमेटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मिहिर शाह कमेटी। मनरेगा का गठन जो है मिहिर शाह कमेटी के अनुशंसा पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1945 में, 1950 में, 1956 में या 1965 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में या 1990 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1979 ईस्वी में। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 ईस्वी में मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नरेगा, दोस्तों नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया? ऑप्शन क्वेश्चन समझिएगा, नरेगा पहले नाम था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? मनरेगा। कब किया? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2008 को, 2 अक्टूबर 2007 को, 2 अक्टूबर 2009 को या 2 अक्टूबर 2010 को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा जो है 2 अक्टूबर 2009 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई, मतलब भारत में पहली बार जो कहाँ आईआईटी की स्थापना किया गया। ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, लखनऊ में, मुंबई में या खड़गपुर में। तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़गपुर। भारत में पहली बार जो आईआईटी की स्थापना जो है खड़गपुर में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सी वी रमन, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर सुकर्ने या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों 23 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? मनरेगा योजना जो है किस मंत्रालय पर काम करती है? ऑप्शन है श्रम मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुशंसा पर काम करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है 1910 में, 1913 में, 1915 में या 1920 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, 1923 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1923 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया जाएगा? यानी कह रहा है क्वेश्चन कि मनरेगा के अंतर्गत अगर 15 दिन के अंदर अगर रोजगार आपको नहीं मिलता है तो मिलने पर किसका प्रावधान किया जाएगा? ऑप्शन है बेरोजगारी भत्ता का, सहायता राशि का, पूर्ण वेतन का या स्वरोजगार का। स्वरोजगार मतलब अपने आप रोजगार कर सकते हैं। तो 26 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बेरोजगारी भत्ता। अगर आपको मनरेगा के तहत 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 1990 में, 1995 में, 1998 में या 2001 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ किया? ऑप्शन है बल्लारपल्ली गांव, मनसेहरा गांव या मदनपुरा गांव या चितबरन गांव। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी बल्लारपल्ली गांव। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का उद्घाटन जो है बल्लारपल्ली गांव में किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? यानी नोबेल पुरस्कार विजेता अधिक से अधिक कितने लोगों को दिया जा सकता है एक साल में? ऑप्शन है 2 गो, 3 गो, 4 गो या 5 गो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जा सकता है एक साल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना काटा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना काटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वुड डिस्पैच को, हंटर आयोग को, रैले आयोग को या सैंडलर आयोग को। तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वुड डिस्पैच को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना काटा कहा जाता है ना, किसे था? वुड डिस्पैच को। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? इन नोबेल पुरस्कार की विजेता जो है प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है एलिजाबेथ प्रथम, मेरीना, लेडीज कार्ले या मैडम क्यूरी। तो दोस्तों 32 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी।
नोबेल पुरस्कार विजेता जो प्रथम महिला जो है मैडम क्यूरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू की? ऑप्शन है 1819 में, 1835 में, 1809 ईस्वी में या 1817 ईस्वी में। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1835 में। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का पद्धति जो है 1835 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, चंद्रशेखर राव या अमर्त्य सेन। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन को। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार जो है भारतीय को नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो सीवी रमन को दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन है 1835 में, 1845 में, 1858 ईस्वी में या 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक 1835 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है 1835 ईस्वी से लागू किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है कब से हुआ है? ऑप्शन है 1967 ईस्वी से या 1969 ईस्वी से या 1998 से या 1901 ईस्वी से। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक 1901 से। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी से किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा में 10+2+3 की सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? 10+2+3 जो कि अब चेंज हो गया है दोस्तों, है ना, हंटर आयोग, कोठारी आयोग, सैंडलर आयोग या रैले आयोग। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोठारी आयोग, यानी 10+2+3 का जो सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने दिया था दोस्तों, जो अब चेंज कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक 10 दिसंबर को। दोस्तों 10 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है, उसका नाम है मानवता दिवस, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य कितना अनुपात होता है? यानी मनरेगा योजना जब होता है उसके तहत जो केंद्र और राज्य के बीच का बंटवारा जो है कितना कितना होता है? ऑप्शन है 80 और 10 के, 90 और 10 के रेशियो में, 70 और 10 के रेशियो में या 60 या 11 के रेशियो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 और 10 के रेशियो में। मनरेगा योजना के तहत जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य का अनुपात केंद्र का रहता है 90 हिस्सा और राज्य का रहता है 10 हिस्सा। इसी के साथ दोस्तों सेवा समाप्त। थैंक यू। जय हिंद।